अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। ये तो व्यूअर्स, आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार स्पाइसी चिकन टिक्का बिरयानी। उम्मीद है कि आपको बहुत पसंद आएगी। चिकन टिक्का बिरयानी के लिए हमें जिन अज्जा की ज़रूरत है, उसमें सबसे पहले जो है वो चिकन, ये बोनलेस चिकन है, तकरीबन 600 ग्राम, आधा किलो से थोड़ा सा ज़्यादा। उसके अलावा जो है वो हम लोग लेंगे तकरीबन 2 बड़े खाने के चमचे जो है वो ऑयल है, 2 छोटे खाने के चमचे जो हैं वो आपका लेमन का जूस है, उसके अलावा तकरीबन 4.5 छोटे खाने के चमचे जो हैं वो आपकी कश्मीरी मिर्च है, उसके अलावा जो है वो आपके पास अदरक का पाउडर है, आप इसकी जगह पेस्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तकरीबन 1 टीस्पून, उसके अलावा जो है वो लहसुन का पाउडर है, आप इसकी जगह जो है वो लहसुन का पेस्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तकरीबन 1 टीस्पून, गरम मसाला है तकरीबन 3/4 जो है वो छोटा चाय का चमचा गरम मसाला है, उसके अलावा जो है वो दही है तकरीबन 4 बड़े खाने के चमचे दही, नमक है आप हंस पे ज़रूर इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन मैंने जो है वह तकरीबन 1 छोटा खाने का चमचा जो है वो नमक लिया है। हम इस बिरयानी को 3 हिस्सों में बनाएंगे। पहले हिस्से में हम लोग चिकन को मैरिनेट करेंगे, दूसरे हिस्से में जो है वो हम लोग इसका मसाला बनाएंगे, और तीसरे हिस्से में हम चावलों को बॉईल करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने चिकन को जो है वो बड़े पीसीज में काट लिए, तकरीबन इस साइज़ के पीसीज जो है वो आपने काटने हैं, ये बोनलेस चिकन है, ये देख लें बड़े साइज़ में आपने काट लेना है, इतना बड़ा साइज़ जो है वो एक पीस का होना चाहिए। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने इसको इतने बड़े हिस्सों में काट लिया, ये आप देख सकते हैं। हमने अब हम इसको मैरिनेट करने लगे हैं। एक बाउल में हमने चिकन के सारे पीसीज जो है वो डाल लिए हैं, और मैरिनेशन के लिए मैंने जो सारे अज्जा बताए हैं वो आपने सारे इसमें मिक्स कर, अदरक का पाउडर 1 टीस्पून, लहसुन का पाउडर 1 टीस्पून, गरम मसाला तकरीबन 3/4 टीस्पून, कश्मीरी मिर्च तकरीबन 4.5 छोटे खाने के चमचे टीस्पून मैंने ले लिए, नमक तकरीबन 1 टीस्पून, 1 छोटा खाने का चाहिए तकरीबन 4 बड़े खाने के चमचे, लेमन का जूस तकरीबन 2 छोटे खाने के चमचे, ऑयल तकरीबन 2 बड़े खाने के चमचे। अब हम इन सबको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसको तकरीबन आधे घंटे के लिए किसी भी चीज़ से ढाँप कर रखेंगे। मैं एल्युमिनियम फॉइल से इसको ढांक के अच्छे तरीके से रखेंगे, आप प्लास्टिक का कवर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जी तो व्यूअर्स, अब हम ग्रेवी बनाएंगे बिरयानी की। ग्रेवी बनाने के लिए हमें जिन अज्जा की ज़रूरत है उसमें 2 अदद जो है वो छोटे बारीक चॉप किए हुए प्याज, उसके अलावा जो है वो ऑयल तकरीबन 3 टेबल स्पून, अदरक लहसुन का पेस्ट जो है वो तकरीबन जो है वो 2 टीस्पून छोटे खाने के चमचे, उसके अलावा जो है वो 2 मैंने सब्ज़ मिर्चें जो है वो बारीक बारीक काट ली है, इसके अलावा जो है 1/2 टीस्पून जो है वो नमक चाहिए, बिरयानी मसाला चाहिए तकरीबन 5 टीस्पून जो है, उसके अलावा जो है वो मैंने तकरीबन 2 बड़े साइज़ के टमाटर जो है वो बारीक काट लिए छिलका उतार के, दही चाहिए हम लोगों को तकरीबन 3 बड़े खाने के चमचे, उसके अलावा जो हल्दी जो है वो तकरीबन 1/2 टीस्पून जो है वो हम लोगों को चाहिए, और पानी चाहिए तकरीबन हम लोगों को 150 मिलीलीटर, जो कि मेरा ख्याल है कि 5 बड़े खाने के चमचे जो है वो बनते हैं। अब हमने पैन ले लिया है, इसमें जो है वो हम लोग जो है वो ऑयल सबसे पहले डालेंगे, इसमें प्याज डाल के इसको मिक्स करना है, और तकरीबन इसको गोल्डन ब्राउन होने तक पकाना है। प्याज हमारे जो है वो तकरीबन हमने 10 मिनट तक इसको जो है वो लाइट ब्राउन कर लिया, इसको बना लिया, फ्राई कर लिए। अब हम इसमें जो है वो अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे और इसको तकरीबन 2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। बस इसमें टमाटर डालेंगे, इसको तकरीबन 2 मिनट तक हमारे अच्छी तरह से मिक्स हो चुके हैं। अब हम इसमें हल्दी डालेंगे तकरीबन 1/2 टीस्पून, गरम चाट बिरयानी मसाला तकरीबन 5 टीस्पून, और नमक, इसको अच्छे तरीके से
मिक्स कर लेंगे और तकरीबन दो मिनट तक फ्राई करेंगे ताकि अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो जाए। तो अच्छी तरह से ये मिक्स हो चुका है, अब हम इसमें पुदीना और सब्ज़ मिर्ची डालेंगे, इसको मिक्स करेंगे। जितना भी मसाला ये भुना है हमने इसको हल्की आंच पे भुना है ताकि ये नीचे से लग ना जाए। अब हम जो है फेंटा हुआ तकरीबन तीन बड़े खाने के चम्मच से तीन टेबल स्पून जो है वो दही इसमें डालेंगे और बिल्कुल चूल्हा जो है बंद करके डालेंगे ताकि दही जो है वो जल ना जाए। मिक्स करेंगे और तकरीबन हम एक मिनट के लिए इसको पकाएंगे। तो जब हम इसको हल्की आंच पर ही अच्छे तरीके से भूनेंगे, इसको इतना भूनना है कि इसका जो है ना वो घी जो है वो अलग हो जाए। जैसा कि देखते हैं कि इसने घी जो है वो छोड़ दिया है, अब हम इसमें जो है वो पानी मिलाएंगे। अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और इसको तकरीबन दो मिनट तक पकाएंगे। लेकिन हल्की आंच जो है वो हमारी तैयार हो गई है, अब हम इसको साइड पे कर लेंगे और मैंने चिकन को पैन ले लिया है। अब हमें इसमें जो है वो चिकन जो है वो डाल देना है। और इसको पका लेंगे। उसके बाद हमने जो है इसकी साइड चेंज कर लेनी है। साइडों को 10 मिनट के लिए जो है वो ऑयल में जो है वो बता दिए, अब हम इसको उतारेंगे और हम चावलों को उबालेंगे। तकरीबन आधा किलो चावल हैं, इनको हमने आधा घंटा तकरीबन भिगो के रख दिए, अब हम इसको जो है वो बॉईल करेंगे। पानी जो है वो हमने तकरीबन बॉईल कर लिया है, ये आप देख सकते हैं तकरीबन 1.5 लीटर पानी है, इसको हमने बॉईल कर लिया है। अब हम इसमें जो है वो तकरीबन तीन जो है वो सब्ज़ मिर्ची डालेंगे, एक जो है वो टीस्पून जो है वो ज़ीरा डालेंगे, 8 से 10 जो है वो तकरीबन लौंग हैं, 2 से 3 जो है वो स्टिक्स हैं दालचीनी की, 8 से 10 जो है वो काली मिर्च है साबुत, 1 जो है वो बड़ी इलायची है, 6 से 7 जो है वो आपकी छोटी इलायची हैं, 2 जो है वो आपके तेज़ पत्ते हैं, और जो है वो तकरीबन जो है वो 2 बड़े खाने के चमचे जो हैं वो नमक। पानी हमारा जो है वो बॉईल हो चुका है, अब हम इसमें जो है वो ये सारी चीज़ें डाल देंगे। पानी जो है वो हमारा फुल बॉईल हो चुका है, अब हम इसमें जो है वो चावल डालेंगे। ये देखें, ये आधे 2 हिस्सों में हो गए, तकरीबन इतना हमने चावल को पकाया। तकरीबन जो है वो आधे चावल जो है वो हमने डाल देने हैं। ग्रेवी डालेंगे इसके ऊपर। हमने ग्रेवी डाल दिया, अब इसके ऊपर जो है वो टिक्के रखेंगे
बाकी के चावल भी डाल दिए। तो हम इसके ऊपर ग्रेवी डालेंगे। इसके ऊपर जो है वो कोई भी फूड कलर या कोई भी ज़ाफ़रान दूध में थोड़ा सा मिला के तकरीबन आधा टीस्पून जो है डालकर तो इसमें जो है वो फूड कलर डाल लेंगे और इसको इसके ऊपर जो है वो फैला देंगे। अब हम इसको जो है वो ढक देंगे तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए और इसको दम दे देंगे 8 से 10 मिनट के लिए। इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। हमारी बिरयानी तैयार हो चुकी है। बहुत ही मज़ेदार जो बिरयानी है वो तैयार है। उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी।